आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वॉश बेसिन की फिटिंग कैसे की जाती है। वॉश बेसिन के जो पॉइंट होते हैं टैंक वाटर और हॉट वाटर और बोतल ट्रैप की फिटिंग भी हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। यहाँ पर हमारा कुछ अलग प्रकार का वॉश बेसिन लगने वाला है बिना पेडिस्टल का, और उसमें हम लगाने वाले हैं बोतल ट्रैप। जैसा कि आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं, हमने इसको पॉइंट बना दिया है नीचे से 18 इंची सेंटर पे, इसका सेंटर रख दिया है और वहाँ पर एल्बो लगा करके ये सब ये इसमें एल्बो में घुसा दिया है काटते हुए। और यहाँ पर है हमारा टैंक वाटर का, ये सीधी बात चली गई है, इसकी भी हाइट 18 इंच है सेंटर नीचे फिलर से। और ये है हमारा हॉट वाटर का। फिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और आपको क्या करना है, इसमें एक टुकड़ा लगा करके और हैंड कैप जरूर कर देना ताकि कोई इसके अंदर फिटिंग के अंदर हमारी कोई कचरा वगैरह नहीं जाए। और यहाँ पर अच्छे से सीमेंट वगैरह डाल देंगे, इसको पैक कर देंगे, अच्छे से जम कर देंगे। और इन पर पॉइंटर पर भी अच्छे से सीमेंट वगैरह पैक कर देना है। कुछ प्लम्बर भाई हमारे इसके ऊपर से फिटिंग घुमा देते हैं, जैसे कि आप सामने देखते होंगे ये पहले ये पुराना बाथरूम है तो यहाँ पर ये गीजर के पॉइंट थे और वॉश बेसिन भी यहीं पर लगा हुआ था। तो दिक्कत क्या आती है, कभी मान लीजिए कुछ हमें यहाँ पर मिलर वगैरह लगाना पड़ेगा और वॉश बेसिन के फासले हम जाम करेंगे तो उसमें कभी कभी पैप में खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको वॉश बेसिन के ऊपर कोई भी पैप प्लम्बिंग पैप नहीं डालनी है। वॉश बेसिन फिटिंग इस हिसाब से करिए। और यहाँ पर ये हमारा है बाथरूम डबल कंसील, और वहाँ पर है इंडियन सीट, और वहाँ पर है कंसील सिस्टम। इसकी वीडियो हमने इंडियन सीट में कंसील सिस्टम फिटिंग कैसे किया जाता है इसकी वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड की हुई है, आप चाहें तो उसको दे सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर आप हमारी इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लम्बर हेल्प चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लम्बर हेल्पर चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।